खुशी के माहौल में। श्रेया और आकाश की शादी में हम लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया है। आप भी आए हैं, आप देखिए और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिनर करके ही जाइएगा। और देखो अभी रिसेप्शन का माहौल चल रहा है, स्टेज पर देखो दूल्हा दुल्हन विराजमान है और दो तीन अच्छे कॉन्सेप्ट भी किए हमारे, हो गए लगभग 300 के आसपास गेस्ट, बिकॉज ऑफ हमने डेस्टिनेशन वेडिंग किया है तो वो सारे लोग आ भी नहीं पा रहे। और आदित्य पंचोली जी का मैसेज आ गया, प्रशांत का मैसेज आ गया कि कल्पना आई एम वेरी सॉरी दूर है इसलिए हम नहीं आ पा रहे, बट हम लोग फैमिली गैदरिंग ज़्यादा रखा था तो हम सब फैमिली मिलके एंजॉय कर रहे हैं। और शादी तो एक पवित्र बंधन होता है जो ऊपर से बोलते हैं ना कि आसमान से जोड़ियाँ बन के आती है, तो आज ये दिन ऊपर वाले ने मुकर्रर किया था तो बस शादी का अभी माहौल चल रहा है, शादी बाकी अभी रिसेप्शन चल रहा है। बाकी सामाजिक कार्यों में रुचि लेती हैं क्या, कहना चाहेंगे कि सब बाकी जो कार्य करती हैं आप उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या सामाजिक कार्य में? तो सबको पता है कि मैं ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट हूँ, महाराष्ट्र की विश्व हिंदू परिषद की अध्यक्ष भी हूँ, साथ में मुझे आई एम सोशल एक्टिविटिस्ट, मुझे अच्छा लगता है सोशल वर्क करना और वो मैं एक लोगों की हेल्प करती हूँ, जस्ट ह्यूमैनिटी, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इसमें आगे नेता बनना है या कोई वो करना है, बट आई लाइक दैट और मुझे अच्छा दिल से लगता है, मुझे सुकून मिलता है तो बस यही कहना चाहती हूँ। मोदी जी ने कहा है कि हर कोई शादी हिंदुस्तान में करे, कुछ लोग विदेश जाकर शादी करते हैं, तो ये बताइए कि कितनी ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में लोग शादी करें? और मैं एक तो मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली हमारा जो देश है, हमारा राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र, हमारे जो संस्कार है प्लस हमारी जो पवित्रता है, हमारे जो उत्सव होते हैं, जो हम लोग बोलते हैं रिचुअल, ये सब चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में ही देखने को मिलती है, बाहर के देशों में कहाँ मिलती है, नहीं मिलती। हमारा जो फूड है, खाना है वगैरह, हमारे यहाँ ही मिलता है। और लोग तो ऐसा है कि बाहर से लोग आके हमारे देश में शादियाँ रचाते हैं, तो हम क्यों बाहर जाए, हमारा इतना अच्छा पवित्र देश छोड़ के क्यों जाए, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। मैम बाकी जो आपके जान पहचान लगी ना? हाँ जी, अरे बहुत खुशी मिल रही है, ये मेरी छोटी बहन की लड़की है, मेरी लड़की जैसी है मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और शादी का माहौल है, अभी तो रिसेप्शन चल रहा है, बाद में शादी होगी, बहुत नाचा, बहुत एंजॉय किया सब ने मिल के, बहुत बढ़िया है, बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत बढ़िया है, बहुत हमने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे गेस्ट आए थे, उसने जो वरमाला का जो कॉन्सेप्ट था वो तो बहुत ही बढ़िया था। इट वॉज ग्रेट, द वेलकमिंग थीम ऑफ ग्रूम वॉज रियली एक्सलेंट एंड ओवरऑल द फैसिलिटी हॉस्पिटलिटी वॉज ऑल्सो द ग्रेट एंड आई कैन से दैट द होल ओकेजन हैज गॉन एक्सलेंट। ये आकाश और श्रेया की शादी का यहाँ अरेंजमेंट हुआ है, तीन चार दिन से फंक्शन है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं, म्यूजिक है, फिर संगीत संध्या है, फिर बाद में कुछ तिलक की व्यवस्था है, जो ट्रेडिशनल जो चलते हैं, ये सब प्रोग्राम हुआ है तीन दिन से। और यहाँ वेल प्लान्ड प्रोग्राम है, एवरी डे का प्रोग्राम चॉकआउट किया हुआ है कि किस दिन क्या होगा, कितने टाइम पे क्या होगा, ये सब चीज़ें। और भी यहाँ की हॉस्पिटलिटी और ये डिस्कवर रिसोर्ट में भी बहुत जो स्टाफ है वेरी कर्टियस और बिल्कुल वेरी हेल्पफुल हैं और क्वालिटी फूड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। वी हैड अटेंड सो मेनी मैरिज पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट्स वेयर समथिंग डिफरेंट एंड एवरीथिंग इज समथिंग डिफरेंट, सो वी आर वेरी गुडली एंजॉयड ओवर हियर। Yes, we fully enjoyed program and very nice management and very very nice welcoming and yes, thus we are wishing she is continuing these programs and something like that. Thanks. फैमिली की जो वेडिंग सेरेमनी है और इवेंट है उसको 15
9 years के बाद अटेंड कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल ओकेजन है कि फैमिली गेट टुगेदर और सबके साथ हैविंग फन. सो दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी सीइंग ऑल द फैमिली मेम्बर्स टुगेदर. और मैं जो नए दुल्हा दुल्हन हैं उनको बहुत शादी की बधाइयाँ देना चाहती हूँ. और